सो हेलो गाइस, तो मैं आपको बताऊँ, जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी सऊदी अरबिया पे, उस पर इतना सारा जो आप लोगों ने प्यार दिया उसके लिए थैंक्स। हज़ारों से भी ज़्यादा लोगों ने वीडियो को देखे और कई लोगों ने उसी पे कमेंट किए कि भाई आपने जितने भी काम बताए जो कि आप 10th और 12th के बाद सऊदी अरबिया में कर सकते हो वो सब तो ठीक है, बट आपने उसमें जो जनरल लेबर के बारे में बताया था कि ये काम आप मिनिमम 10th और 12th के बाद आराम से कर सकते हो सऊदी अरबिया में, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में चीज़ें बताओ कि भाई हमको इस पर सैलरी कितनी मिल जाती है, हमको ये करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगा, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे हम ये काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं सऊदी अरबिया में। देखो, पहला, ये काम आप करने के लिए मिनिमम 10th और 12th पास होने चाहिए। आपके पास आपका अपना पासपोर्ट, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका पुलिस सर्टिफिकेट, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, अगर आप इंडिया से हो तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पर्सनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जितनी पढ़ाई की आपने, ये सारी चीजें आपके पास रहनी चाहिए, ठीक है। देखो, सैलरी बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई है उसमें जनरल लेबर के अलावा भी कई सारे काम बताए जो कि आप सऊदी अरबिया में कर सकते हो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जाके इसके बाद वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। देखो, और जनरल लेबर की जो ऑन एवरेज सैलरी है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं बता देता हूँ फिर भी, वो 1800 SAR से लेकर के, सऊदी अरबिया रियाल से लेकर के 3200 तक है मिनिमम। आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, सॉरी एक्सपीरियंस नहीं होता है, बस इसमें आपका वर्किंग आवर के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने घंटे काम करते हो उस हिसाब से इसमें सैलरी मिलती है, बट इतना तक आप अर्न कर सकते हो। ऑन एन एवरेज लोग 15 से 2500 SAR तक मंथली भी अर्न करते हैं। तो हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, डाउट कमेंट करो, बाय बाय, गुड लक।